दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ये बेसिकली हमारा एक टूल है, एक इंफॉर्मेशन लिस्ट है। जो इंफॉर्मेशन लिस्ट से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट SRPs है इलेक्ट्रोड्स का एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट आर लिस्टेड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द SRP। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑल्सो कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो यहां पर जो है, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम लोग यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स और उसके करिस्पॉन्डिंग रिएक्शन जो भी, क्योंकि हमने SRP किए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो SRPs लिखा हूं तो लेफ्ट में जो चीज होंगे वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो राइट हैंड का चीज है वो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जो मेरा रिएक्टेंट साइड पे है वो है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो मेरा राइट हैंड साइड पे है वो है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। सो वो सारे के सारे SRPs जो है वो लोगों ने तुम्हारे लिए लिख रखा है। जो डेफिनेशन है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, एंड दैट इज टेकन एज 0 वोल्ट। इसके अंदर जिनका वैल्यूज माइनस है, यानी जिनका वैल्यूज है अबव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उनका ऑक्सीडेशन ऑब्वियस है, यानी उल्टा रिएक्शन जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है फॉर द हाफ सेल। जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी लिथियम खुशी खुशी हमारा Li+ देगा, लेकिन Li+ बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ लिथियम पे कन्वर्ट होना, यानी Li+ का लिथियम में कन्वर्ट होना बहुत ही ज्यादा हमारा मुश्किल होने वाला है। वी स्टार्ट फ्रॉम द Li+ एंड वी एंड इट एट F2। ठीक है, हमारा जो रेंज है वो हमारा -3.05 से +2.87 वोल्ट तक जो है वो हमारा होता है। तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा शुरुआती जो रिएजेंट्स है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसको F2 से चालू करके Li+ पर खत्म करते हैं। दोनों कन्वेंशन इक्वली सही है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा कोई रूल नहीं है टेबल में, तुम अपने मर्जी से किसी भी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग जहां सर होता है वो देख सकते हैं, वो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स के होते हैं, लाइक लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी दे आर बेसिकली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे आर हाईली मेटालिक इन नेचर, दैट फॉल्ड बाय एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन। ठीक है, तो बेसिकली अप टू Fe जो है उनको हम मानते हैं जो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल्स है। तो मेटल कैटायंस का रिडक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वी टेक अ ब्रेक नियर अराउंड कैडमियम, तो बिफोर द कैडमियम वी से दैट मेटल्स आर वेरी वेरी एक्टिव। ठीक है, एंड बिलो दैट द मेटल्स आर बिट इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, मतलब थोड़ा एक्टिविटी कम है। हाइड्रोजन के नीचे जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेटालिक, वो सारे मेटल्स हमारा हाईली इनएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, यानी वो मेटल्स मेटालिक फॉर्म पे रहना प्रेफर करता है एज ए कंपेयर टू जो हमारा वो कैटायनिक फॉर्म पे रहे, प्रेफर उसका वो रहता है जो वो मेटालिक फॉर्म पे रहे, कैटायन के फॉर्म पे ना रहे। ठीक है, राइट। दो इलेक्ट्रोड स्पेशल होता है, एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा मैंने यहां पर लिख रखा हूं एन कैलोमेल इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एन कैलोमेल इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। सो लिथियम इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो +3.05 है, तो इसके हिसाब से जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिथियम इज अ मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
एंड ऑन द अदर हैंड यहां पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आया है वो ये आया है, जो F2 इज अ मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एज वी मूव अप द सीरीज द रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो कि इसका उल्टा है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है F2 इज द बेस्ट पॉसिबल नॉन मेटल, ठीक है। तो इट इज अ हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो F2 दैट फॉलोड बाई, यहां पर मेरे पास क्या है Cl2 दैट फॉलोड बाई Br2 एंड दैट फॉलोड बाई I2, जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेता है, क्लोरीन थोड़ी मुश्किल से लेता है, ब्रोमीन खुशी खुशी ले लेता है, आयोडीन का इनफैक्ट नेगेटिव स्टेट जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल हमारा नहीं होता है, ठीक है। खैर माइनस बनता है लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल जो है वो हमारा नहीं होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। बाय द वे लिथियम इज एन एक्सेप्शन एंड दैट हैपेंस ड्यू टू 2s। 2s का कारण वहां पर एक एक्सेप्शन है लिथियम का, ठीक है, लिथियम इज एन एक्सेप्शन। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो पोटेशियम इज अ मोर मेटालिक देन सोडियम और कैल्शियम इज अ मोर मेटालिक देन मैग्नीशियम, ठीक है। डाउन द ग्रुप हम जानते हैं मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज करता है पीरियोडिसिटी में। लिथियम इज एन एक्सेप्शन, दैट एक्सेप्शन ऑकर्स ड्यू टू द 2s ऑर्बिटल एंड वी विल मार्क इट हियर। इन फैक्ट दिस इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन, ठीक है। जब मैं कोई भी ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं तो लिथियम को लेकर दिमाग मत लगाओ, इट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज गोइंग टू डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरिन इज हाईली रिएक्टिव, क्लोरिन इज लेसर रिएक्टिव, ब्रोमिन इज मच लेसर रिएक्टिव, I2 इज अ प्रेटी मच अनरिएक्टिव इन नेचर। द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज गोइंग टू इंक्रीज, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स इज गोइंग टू डिक्रीज, या फ्लोरिन इज मोस्ट electronegative, that followed by chlorine, then bromine, then iodine, and the electropositivity of the metals is increased, ठीक है? Again the lithium being an exception. The thermal stability of the metal oxides are going to increase. यानी अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा zinc oxide होता है या फिर मान लो अगर magnesium oxide होते हैं या calcium oxides, they are stable oxides. On the other hand, अगर सिल्वर ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है हमारे पास, उनको हीट करने पर आसानी से वो टूटकर मेटल और ऑक्सीजन पे हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये मैं इसलिए टैबुलेट कर रखा हूं क्योंकि कुछ डेटा जो है वो NCERT में नहीं दे रखा है, एक बार के लिए ये हैंडी रहेगा, इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। एक बार जब तुम लिखो, एक बार जब तुम खुद अपने हाथों से लिखोगे तो वो ट्रेंड से मोटे मोटे दौर पे तुम्हें याद हो जाएगा। क्या हमें ये पूरा एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ याद रखनी है? नहीं, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं, बट इफ वी मोटे मोटे दौर पे इफ वी लुक फॉर रिमेंबर द ऑर्डर देन दैट इज गोइंग टू हेल्प अस बिग टाइम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है, बहुत सारे आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें जरूरत पड़ने वाली है चीजों की, उन सब का प्रेडिक्शन जो है वो हमारा काफी ज्यादा आसान हो जाता है, राइट? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहला है क्या, वो सारे स्पीसीज या फिर एटम, स्पेशली जो है हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी स्पीसीज स्पेशली मेटल्स having high negative SRP, having high negative SRP, example lithium, sodium,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe. इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दे आर वेरी वेरी दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिनका हमारा बहुत ही ज्यादा हाई नेगेटिव SRP होता है, वो सारे हमारा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. और सिमिलर नोट पे स्पीसीज हैविंग हाई पॉजिटिव SRP आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एग्जाम्पल के तौर पे F2, MnO4 माइनस Au प्लस, Cr2O7 2 माइनस, H2O2 Ce4 प्लस. ये सारे के सारे जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन. Cl2 लिखा क्या? नहीं, Cl2 नहीं लिखा. Cl2 इंपॉर्टेंट है. दे आर अ वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को हमें ध्यान देनी पड़ेगी. सो दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जिनका हाई नेगेटिव SRP होगा वो हमारे पावरफुल, वो जो मेटल्स होंगे वो हमारे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे. और वो सारे स्पीसीज जिनका हाई नेगेटिव SRP होगा वो सारे हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है. राइट, दूसरा, मोर एक्टिव मेटल्स, मोर एक्टिव मेटल्स, ठीक है, कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन. मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशंस. क्लासिक एग्जाम्पल जो हमने पहले भी बातचीत किए थे, अगर मैं जिंक सॉलिड डालता हूं और दैट इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो बेसिकली जिंक विल रिप्लेस द कॉपर टू गिव यू ZnSO4 एक्वस. एंड इन द कंटेनर वी आर गोइंग टू गेट द प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर. ठीक है, क्योंकि ये वाला रिएक्शन में अगर हम ध्यान दें तो जिंक जो है वो हमारा दे रहा है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन. और उसका अगर हम SRP देखें तो वो है -0.76. यानी इसका जो हमारा SOP हो जाएगा दैट विल बी 0.76 वोल्ट. एंड ऑन द अदर हैंड कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर. इसका जो SRP है वो है मेरा 0.34 वोल्ट. तो जो हमारा रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर 2+ गिविंग अस कॉपर प्लस जिंक 2+, इसका इनॉट सेल जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट एंड दैट इज पॉजिटिव. दैट इंप्लाइज दिस रिएक्शन विल ऑकर स्पॉन्टेनियसली. द रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है, जो हमारा बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल होगा वो तो हमारा रूम टेम्परेचर पर ही
वाटर को आसानी से डिस्प्लेस, वाटर से H2 को डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं सोडियम के साथ वाटर को डाल दूं एंड दैट विल हैपन इवन एट अ रूम टेम्परेचर, इट विल प्रोड्यूस पहले Na2O प्लस H2। अगर वाटर जो है मेरा लिमिटेड है, हाँ, लेकिन अगर एक्सेस में वाटर होगा, ये और एक वाटर में घुल सकता है, तो ये खुद जो है वो Na2O घुल के हमारा 2 times NaOH जो है वो हमें दे देगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन, द करस्पॉन्डिंग बेस एंड द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेसर एक्टिव वंस, लेसर एक्टिव मेटल्स कैन गिव H2 from steam, that is its reaction will occur at a higher temperature. ठीक है, example Fe, Sn, cobalt, nickel, ये सारे के सारे जो है वो हमारा स्टीम के साथ जो है वो रिएक्शन देने वाला है, यानी Fe प्लस H2O। यहां पर अगर मैं गर्म करूंगा ग्रेटर देन 100 degrees Celsius तो ये हमें दे देगा FeO प्लस H2। That reaction will occur for the steam. वो सारे metals जो कि हमारा H2 से भी, यानी all metals placed below the H2 in electrochemical series can never give, all metals placed below H2 in electrochemical series can never give H2 from water. वो सारे के सारे metals जो electrochemical series पर हमारा H2 से भी नीचे है, वो किसी भी हालात पर हमारा वाटर से हाइड्रोजन नहीं दे सकता है। वाटर के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और प्लैटिनम। ठीक है, और इवन प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम इंपॉर्टेंट मेटल है, इसलिए वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ठीक है, सो तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडा हुआ है हमारे पास, एंड इसी का कॉरोलरी एक दूसरा फंडा भी हम बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर हम ये बोल सकते हैं, मेटल्स प्लेस्ड अबव H2 इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज can give H2 gas on reaction with dilute mineral acids. जब मैं ये बोलता हूं तो we generally talk about HCl or H2SO4. HNO3 is avoided क्योंकि उसका एसिडिक कैरेक्टर के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक
प्लस HCl का रिएक्शन करवाता हूं, वो खुशी खुशी मेरा ZnCl2 प्लस H2 दे देगा। मेटल्स प्लेस्ड बिलो H2 gives no reaction with HCl, with a dilute mineral acids. यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉपर पे HCl डालूं तो ऑब्वियस सी बात है ये वहां पे हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ये वाले रिएक्शन का कॉप यहां पे हो क्या रहा है, ज़ेरेन ज़ेरेन प्लस टू पर जा रहा है वो उस, और इसका स्टैंडर्ड जो है वो तो हमारा जीरो ही है H प्लस का H2 पे आने का, तो ये वाले का जो इनॉट सेल होगा वो पॉजिटिव आएगा, जबकि कॉपर्स का कॉपर प्लस टू पे या प्लस वन पर किसी पर भी जाना वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड एक दूसरा हमारा जीरो है तो इनॉट सेल जो है वो हमारा डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा, जिस कारण पे रिएक्शन जो है वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल्स आर थर्मली स्टेबल। जो एक्टिव मेटल है उनके ऑक्साइड्स जो है वो हमारा थर्मली स्टेबल होते हैं, क्योंकि एक्टिव मेटल्स वो है जो हमारा एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो अगर उसको ऑक्सीजन तुम बना भी देते हो ऑक्साइड को तोड़ के, उस ऑक्सीजन को वो वापस रिड्यूस करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल Na2O हो या K2O हो या कैल्शियम ऑक्साइड हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या एलुमिना हो या जिंक हो या FeO हो, ये सारे के सारे हम देख सकते हैं दे आर ऑल थर्मली स्टेबल। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल्स आर थर्मली अनस्टेबल। क्लासिक केस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, अगर सिल्वर ऑक्साइड मेरे पास है Ag2O और इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये 2Ag प्लस हाफ O2 हमें दे देता है। सिमिलरली अगर मेरे पास HgO है, गर्म करूंगा तो मेरे पास मेटालिक मर्क्यूरी और हाफ O2 गैस का रिलीज जो है वो हमारा होने वाला है। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, अगर हमें टेबल का वैल्यूज लिया हुआ है वहां से हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो कौन सा कंडीशन में क्या हमारा रिएक्शन होगा, इनॉट सेल क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम यहां तक बातचीत जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब समस्या यहां पर एक ही है, अभी तक हमने जो भी चर्चा किए हैं वो केवल और केवल स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में किए हैं, बट हमेशा तो जरूरी नहीं है जो कि हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही रिएक्शन हो। अगर मैं सिंपल बात करूं डैनियल सेल का, तो डैनियल सेल में मान लो शुरुआती दौर पे मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन रख भी दिया, बट इवेंचुअली जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे अगर हम ध्यान दें तो ZnSO4
यानी Zn प्लस टू का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी इनिशियली अगर मैं वन मोलर रख भी दूंगा तो बाद में जो है वो वन मोलर से बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड कॉपर सल्फेट जो कि हमारा शुरुआत में वन मोलर अगर है बट बाद में तो वो कंज्यूम हो रहा है तो उसका कंसेंट्रेशन वन मोलर से डेफिनेटली घट जाएगा। हमारे पास राइट नाउ ऐसा कोई टूल उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को लेकर चर्चा कर पाए, और वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का चर्चा करने के लिए वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड Nernst equation. Let's see.